आवर का लेट करी। बहुत दिन के बाद आज हम सुबह जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, वरना 11 बजे से हम बेड से बाहर निकलते नहीं है। मैं तो निकल जाता हूँ 9 बजे। ये गोदरेज का दूसरा प्रॉपर्टी बन रहा है रिजुवे करके, देखो अंदर बिल्डिंग्स देखो और कितनी सारी हैं यहाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आहिद एंड वाचिंग RHK ब्लॉग। तो जैसे आपने देख लिया है कि आज है 26 जनवरी और आप सबके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे हम दोनों की तरफ से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उन सबके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। तो उम्मीद है आप सब जल्दी उठ गए होंगे, जल्दी जल्दी रिपब्लिक डे मनाया होगा जैसे हम उठे हैं। देखो ये नक्टू ने बनाया हम दोनों के फेस पे। हमने सोचा है कि आज हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे बाहर और मिठाई विठाई भी लेके आएंगे और अच्छे से आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स भी हैं वो हम आपको गाड़ी में चलते चलते आगे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज दोनों ने हम व्हाइट पहना तो है बट मैं थोड़ा सा अलग, ये देखो अगर कोई आर्मी वाला दिखेगा ना मैं बोला शेर शाह रिपोर्टिंग सर। और जो बंदे फ्लैग होस्टिंग के लिए नहीं उठे और अभी तक सो रहे थे आज, तो उम्मीद करो कि अगले साल जल्दी उठो, क्योंकि अभी हम लोग ना परेड भी देख रहे थे लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, अभी हुई है 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर राजपथ पे नहीं पहुंचे। तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं कि वो लोग कब आए, कब परेड स्टार्ट हो, थोड़ा सा हम लोग देख के और फिर हम लोग निकले। Arriving at the saluting base, the President of India, Shri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. तो फाइनली काफी देर के बाद में, सिर्फ गणतंत्र दिवस देखने के चक्कर में इतना लेट कर लिया उसने। चलो जल्दी अब दुनिया भर का लेट करी। कितना लेट करी? साली तो हो जाता थोड़ा ना? लेट नहीं होता, बहुत लेट हो गई। मैं थोड़ा लेट आई थी आज। कितना लेट करी लेकिन? थोड़ा लेट होता क्या ये? देखो कितने बज गई है, ये देखो 11:10 सुबह 10 बजे चिल्ला रहे हो चलो चलो करके। देखो आप चीख-सू चीख-सू कर रही है। तो मुंह पे मेरे चलो 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 आगे हम नीचे, ये हमारे सोसाइटी के पार्किंग है। देखो नाटक देखो इसके। बहुत दिन के बाद आज हम सुबह जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, वरना 11 बजे से हम बेड से बाहर निकलते नहीं है। मैं तो निकल जाता हूँ 9 बजे। मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं जब गाड़ी में बैठू ना तो मेरा वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बना। कितना मस्त आज डेकोरेट किया आफ्टर फूड वाले ने अपना पूरा शोरूम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ इंदौर, क्योंकि मुझे खानी है आज कचौरी जलेबी, बट चीकू खाना है आज डोसा या फिर पूरी भाजी, तो उसके लिए हम जाएंगे अतिथि। पहुंच गए हैं हम वहाँ इंदौर। तो आ गई है हमारी कचौरी और जलेबी, डॉक्टर से शुरू भी किया है, इतनी भूख लग रही थी उसको बिकॉज बहुत देर भी हो गई थी यार। मतलब ठीक है अभी मैं सिर्फ जलेबी खा रहा हूँ बिकॉज मुझे खानी है आज पूरी भाजी, तो मैंने इस नक्टू का साथ देने के लिए ये खा रहा हूँ बस। टेस्टी है, अच्छी लगी कचौरी से मैं बात कुछ भी बोला। हो गया अच्छा लगा? अच्छा था। सुबह सुबह इसके लिए भगा भगा के लाई ना तुम। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थी या फिर जब एमपी में थी ना, तब तो हमारा हर संडे का नाश्ता फिक्स होता था, पोहे जलेबी या फिर शाम को नहीं तो फिर किसी दिन समोसा जलेबी या तो कचौरी जलेबी। उसके तो जैसे ही हो गई है। यहाँ आने के बाद मेरा सब बदल गया है कचौरी के जैसी।
तुम कर चोरी। चलो ठीक है निकलते आगे है ना। पहुंच गए हम लोग का टीपी। हम पार्क करते हैं और अंदर जाते हैं। क्या हो गया नत्तो, क्या ऑर्डर करी तुमने? मैंने अपने लिए मिक्स वड़ा ऑर्डर करी हूँ। और मेरे लिए पूरी भाजी। उसने मुझसे पूछा आपको सांभर में डिप करके चाहिए। मैंने पहले पूछा कि मिक्स वड़ा में कौन कौन सा वड़ा है। एक बेदो वड़ा आएगा और एक बटाटा वड़ा आएगा। 12 बजा दी यहाँ पे 12। कोई बात नहीं, छुट्टी का टाइम है, सब लेट ही होता है, लोग सब आज ब्रेकफास्ट ही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी क्या प्लान है आगे का, होगी सबसे बात? हाँ। भी हमको बताना नहीं किसी को भी कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। अभी बताएंगे ना, तब बताएंगे हम आपको भी क्या प्लान है। लेकिन अभी तो बताएंगे ना, अभी हम कुछ कुछ बताएंगे पर ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। तो आ गया है मैडम का मेंदू वड़ा। ये तो अलग अलग वड़े क्यों हैं? ये बटाटा वड़ा है, मेंदू वड़ा। अच्छा, तो तुमने अलग अलग बोले थे क्या? तो आ गया है मेरा भी ब्रेकफास्ट, पूरी भाजी। ये वाली भाजी मुझे पसंद है, जो ग्रेवी वाली देते हैं मुझे नहीं पसंद आता, ये बेस्ट है। चलो मैं भी खाता हूँ। तो हो गया हम दोनों का नाश्ता, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखने। एक्चुअली हमारा ऐसा प्लान हुआ है कि हम नहीं बताने वाले थे, बट फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं बता देते हैं, बिकॉज हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारे एरिया हम सर्च करने वाले हैं, जो हम सारा अफसर शेयर करें ताकि आप लोगों को भी वो नॉलेज मिल सके। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको लिंक ज़रूर मिले। अभी हम जा रहे हैं केशव नगर, हम वो एरिया से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं गोदरेज इन्फिनिटी, तो वहाँ के आपका फ्लैट्स भी दिखा देंगे और वहाँ का प्राइस रेंज भी हम आपको बता देंगे। तो यही सब प्राइस था बस। चलो फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग खराड़ी से जा रहे हैं मकरपट्टा की साइड, और यहीं पर केशव नगर का सिग्नल है, वहाँ से अभी है ये सिग्नल है, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। राइट साइड जो रास्ता जाता है वो जाता है कोरेगांव पार्क और बीटी कमरे रोड को, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। रास्ता जाता है केशव नगर, केशव नगर से आगे मुंडवा। यहाँ पे काफी सारी न्यू प्रॉपर्टीज अभी डेवलप हो रही हैं, काफी सारे होर्डिंग्स भी लगे हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो केशव नगर का जो मेन चौक है उसको बोलते हैं वाई जंक्शन, जहाँ पे अभी हम पहुंच रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं वाई जंक्शन पर। ये वाला जो रास्ता जाता है मुंडवा की तरफ, ये जाता है केशव नगर की तरफ, आई मीन ये जाता है, अभी हम जा रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज देखने। तो ये रास्ता थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा नैरो है, ये काफी खराब है, रोड अभी बना नहीं है प्रॉपर, छोटा सा मार्केट बोल सकते हैं यहाँ पर। जो शाम की ट्रैफिक वो काफी ज्यादा हो जाती है ये वाले चौक पे, क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, यहाँ तक बस भी आती है अंदर। ये राइट में भी कोई नई प्रॉपर्टी है। अगर आप इस रोड पे आते हैं तो आपको यहीं पर काफी सारी अलग अलग बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। ये देखिए नियर पोजीशन वाली है सब, केशव लीला पोलराइज। ये वाला रोड ठीक करना ही चाहिए यार, कितना टाइम हो गया यहाँ पे नहीं, बड़े बड़े बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज है, फिर तो करना ही चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है इस एरिया का, बिकॉज अंदर काफी ज्यादा पॉश लैविश फील होगा आपको जाने के बाद, बट ये जो आपका रास्ता है ना ये आपको वो चीज फील नहीं करने देता। यहाँ तक का रोड का बस प्रॉब्लम है। यहाँ तक का ही प्रॉब्लम है। ये सब न्यू डेवलप्ड प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से जो मेन एरिया और मेन जो रोड भी यहाँ से वो काफी बड़ा, देखो पूरा आगे शॉप तक के लिए पूरा रोड छोटा है, ये अच्छे से बन जाए। ये सब न्यू डेवलप है, ये गोदरेज इन्फिनिटी का एंट्रेंस। एक बार ये रोड पे आ गए ना तो अच्छा फील आएगा, अच्छा फील आता है। बट हम जैसे जो लोग खराड़ी से आते हैं ना उन लोगों को थोड़ा सा लगता ही है कि अरे यार ये थोड़ा सा वाई जंक्शन खराब दिख रहा है और वहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगा। यहाँ पर भी एक एंट्री गेट है बट ये एग्जिट गेट है एक्चुअली। और ये गोदरेज प्रॉपर्टी वाइट कलर है तो काफी लुक बहुत प्यारा आता है उसका। यहाँ पर ये साइड भी कुछ नया कंस्ट्रक्शन आया है, काफी अच्छा ये भी दिख रहा है।
हैं यहाँ, पहले नहीं थे, अभी खुले हैं। हाँ ये अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। मेडिकल है, सुपर मार्केट है, सब्जी भाजी फ्रूट मार्केट सब है यहाँ पर। देखो ये कितना बड़ा टावर है, टावर पहुंच गए हैं हम यहाँ पे अभी। और ये यहाँ पे हमारे ये जो बंदे हैं ना, ये हमें घर दिखाने वाले हैं, ये एंट्री कर रहे हैं, तो तब तक हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी, आपने थोड़ा सा विजुअल देखा होगा, तो अंदर से भी मैं आपको पूरा है ना दिखाता हूँ कैसा है। बहुत सही है, अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, ये दिख रहा है, ये पूरा साइड में है ना, खाली है, पार्किंग वाला एरिया नहीं है। वहाँ पे जो है ना, ये सब विजिटर्स पार्किंग है, ये जो गाड़ी दिख रही है सब विजिटर पार्किंग है, और यहाँ पे भी कुछ पार्किंग है। तो अच्छी चीज़ ये लगी कि सारा ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं तो दूसरे प्रॉपर्टीज़ कैसे होते कि यहाँ पे है ना पहले से गाड़ी लगा के छोड़ देते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है इधर उधर लगाते। अब ये देखो, ये भी प्रॉपर्टी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। वो एक टावर है, मैं आपको पूरे टावर्स दिखाता हूँ। ये गोदरेज का दूसरा प्रॉपर्टी बन रहा है रिजवे करके, देखो अंदर बिल्डिंग्स देखो और कितनी सारी है यहाँ। चलो देखना हो गया, अभी हमारा निकलते हैं। कितने बज गए, देखो 2:15 हो गई, 2 प्रॉपर्टी देखने में है ना। नक्टू थक गई है, नक्टू भी बहुत गर्मी हो रही है, बस बोल रही है मुझे चाय पिला दो। तो आपने देखा कि जैसे केशव नगर में ओनली गोदरेज प्रॉपर्टी हमने देखा, बाकी तो प्रॉपर्टीज हम देख नहीं रहे बिकॉज हम कुछ चीज़ें सिलेक्टेड देख रहे हैं। तो हमें प्रॉपर्टी तो पसंद आ गई है, बट और भी ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो हम और 2 लोकेशंस देखने वाले हैं। एक हराड़ी में है मैजेस्टिक टावर्स, और एक है धानोरी में प्राइड वर्ल्ड सिटी। ये 2 और ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन वो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे वो पता नहीं। अभी पहले यहाँ से जाके हम चाय पियेंगे, थोड़ा मूड को फ्रेश करेंगे, उसके बाद में आगे डिसाइड करेंगे करना। प्लान में चेंजेस कर दिए नकुल, जूस क्यों पीना, बिकॉज इतना हम थक गए, पूरा एग्जॉस्ट हो गए धूप में घूम घूम के, ऐसा हो गया था हमको कि थोड़ा जूस पी लेंगे थोड़ी सी एनर्जी आएगी। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हमारी सेकंड लोकेशन है धानोरी, और मैं नक्टू के गॉगल में दिख रहा हूँ। तो यहाँ से जूस पीने के बाद हम जा रहे हैं धानोरी, वहाँ पे प्राइड वर्ल्ड सिटी करके एक प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे गोदरेज थी, वहाँ पे प्राइड वर्ल्ड सिटी, तो हर एक लोकेशन में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। देखेंगे वहाँ पे भी 1 BHK 2 BHK
1.5 BHK भी अवेलेबल है, तो वहाँ का भी हम आपको दिखा देंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग यहाँ तक ही रखता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको प्राइडवल सिटी का बता, तो यहाँ से मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, इस जर्नी को कंटिन्यू करूँगा, तो अगले ब्लॉग में भी बनाए रहे हमारे साथ। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो।